गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपकी रिवीजन वर्क है। पहले भी मैंने चैप्टर वन की आपको रिवीजन वर्क दिया था, कुछ बच्चों ने तो काम सेंड किया है। सारे बच्चे इस काम को सेंड करिए। क्वेश्चन ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज नॉट ए हाई लेवल लैंग्वेज। आपको तीन ऑप्शन दिया गया है, इसमें से जो सही है इसको आपको टिक लगाना है। तीन ऑप्शन में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है इसको आपको टिक लगाना है। क्वेश्चन टू, हु चेक्स फॉर ऑल द सिंटेक्स एरर इन द प्रोग्राम। कौन प्रोग्राम के अंदर सिंटेक्स एरर को चेक करता है उसको आपको टिक लगाना है। क्वेश्चन बी, फिल इन द ब्लैंक्स। डैस वॉज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज। कौन सा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज था उसको आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर टू, डैश एंड डैश आर नोन एज फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस। कौन कौन सा फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज जाना जाता है। थ्री, मशीन लैंग्वेज हैज़ द एडवांटेज ऑफ वेरी हाई स्पीड एंड वेरी लो डैश यूटिलाइजेशन। मशीन लैंग्वेज में हाई स्पीड होता है और वेरी लो डैश उपयोग होता है, कम कौन सा उपयोग में आता है। क्वेश्चन नंबर फोर, ए हाई लेवल लैंग्वेज यूज एज सिंपल इंग्लिश फॉर राइटिंग स्टेटमेंट्स एंड नीड्स एंड डैश और एन इंटरप्रेटर फॉर इट्स कन्वर्सेशन इनटू बाइनरी लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में सिंपल इंग्लिश होता है और इसमें राइटिंग स्टेटमेंट को लिखने के लिए यूज होता है। कौन सा ये ज़रूरत पड़ता है इसमें, इंटरप्रेटर फॉर इस कन्वर्सेशन, इंटरप्रेटर से बाइनरी लैंग्वेज कन्वर्ट होता है, इसको आपको यहाँ फिल करना है। ए कंपाइलर एक्ट्स ऑन द होल प्रोग्राम एट ए टाइम एंड चेक्स ऑल द डैश एरर्स। कंपाइलर के काम है सारे प्रोग्राम को एक समय पे काम करता है और क्या एरर चेक करता है इसको आपको लिखना है। क्वेश्चन सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज सोर्स प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के बारे में आपको लिखना है। थैंक यू।